चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पैसे के मारू आदमी साल भर को बात करे और फिर वो लटक जा मामला। श्यामली का किसान लोग बैठ रहा था भाई, हम श्यामली मेल पकड़ना गिरे पर आज हालात विपरीत हो रही भाई। प्रधानमंत्री भी झूठ क्यों बोल रहे, क्या नो बता रही उसमें लाठीचार्ज पे तो जितना भी वे तो और उभारा लेंगे। आज की सभा के अध्यक्ष जी समस्त खाप चौधरी भाई मनीष चौहान जी विधायक जी दोनों विधायक उपस्थित पत्रकार बंधु पुलिस कर्म सुरक्षा कर्मी बहन जी श्यामली क्षेत्र का किसान विशाल जनसमूह भाई ऐसे पैच फंस गए। टिकैत साहब कह रहे जी उसमें नाल में गुल्ला हो नहीं गुल्ला यू गुल्ला फंस गया चाहे गुल्ला टूटेगा चाहे नाल पटेगी। हम तो वहां से मैं खतौली के किसान है, खतौली मिल है उसमें 11 सेंटर है हमारे वहां से तंग तंग तम नहीं हुए यहां से तंग हम भी हो लिए वहां से। वहां श्यामली के जो क्षेत्र है यू किसान है हमके सबका छोल बंद हो ली वहां कोई रिश्तेदारी का आएगा कोई कहेगा कोई कहेगा ऐसी बात नहीं परेशान सब हो रहे। हम लोग कहेंगे भाई इसका समाधान देख करेंगे कुछ हम ही कद लोग पूरा पढ़ेंगे तो फजीता सारे बुरा दिक्कत एक हो जा जहां ऐसी बात फंस जा सारी बात देखे आदमी किसानों की देखे तो इनकी भी समस्या बहुत गंभीर समस्या है। पैसे के मारू आदमी साल भर को बात करे और फिर वो लटक जा मामला। एक तरफ देखे किसानों की बात इनका गेहूं की बुआई है घास की चारे की बुआई फसल खड़ी ये आदमी को कहते घने कहने जो कुछ होगा सबके साथ तो ऐसे इसमें कुछ रास्ता नहीं पाता। कोई भी आदमी अगवानी का बचे अगवानी करके मारे वहां से बहुत ही आदमी ऐसे जा रहे कहने बात सोच समझ कर निर्णय लिए कोई ऐसा निर्णय ले जाए। हम बिल्कुल सही बता रहे हमें रात को बहुत कम नींद आई आज बकर वहां पंचायत रख रखी क्या निर्णय लिया जा। सही बात तो यह है इस मिल के हालत सही नहीं। हाँ कोई वो नहीं हम भी कह सके बात जो टूटा है मकान हो जा नहीं उसके शोक में हो जा कोई कड़ी ठाक भागन लगे कोई कुछ यू टूटा हुआ मकान होगा इसका कोई वारिस नहीं है। किसी जमाने में मिल भी था किसी जमाने में मिल भी था कोई ऐसी बात नहीं। बहुत ये आदमी श्यामली का किसान लोग बैठ रहा था भाई हम श्यामली मेल पकड़ना गिरे पर आज हालात विपरीत हो रही हमें पता क्या हालात है। 2 रुपए की कोई डीजल गिरवा रहा 2 रुपए की कमी है उसी मन लोग कहते कहने में कुछ इधर तो चाहते डीजल कटवा दे समझ। आप लोग कितनी हिम्मत की बात है आप लोग इतना झेलना झेल रहे छोटे छोटे किसान है बहुत सीमित किसान है। एक तो हमने प्रस्ताव दे रहा था भाई जितने 10-11 बुजुर्ग ले लो जो 70 साल तक ऊपर की उम्र के हैं जो कुछ भी उल्हाड़ा उन पर ही रह जाएगा जैसे भी कुछ घाट बात कर लेंगे उनके उनके विचार अच्छे रहे सारी बात है जो कुछ है उन्हें सारा तजर्बा है वे सच्ची कहेंगे बातचीत। एक वो हो जाएगी भाई ना तुम जीते ना हमारे भाई बुजुर्गों को सौंप दिया ठीक है जैसा भी कुछ है उलाना सुलाना उन्हीं पे है हम भी उन्हीं पे विश्वास करें। एक जो कोर कमेटी छटरी इस तब अगल तो हम भी नहीं जानेंगे रही जबरदस्ती मिल चलाने के बाद जबरदस्ती में ना मिल चलने का कौन जाओगे जाए
10-20 हजार कुंटल गन्ना आ जाएगा, वो इसी में रुक करा, कोई वो कहेगा ना क्या कर रहा तू किसानों पे, किसानों की सहायता में कितना बड़ा धोखा कर रहे, किसान नाम पर कलम खो सारी सिम जैम में, ऐसी बात नहीं, जबरदस्ती नहीं चलने का, सब ने अपने विचार रखे, गन्ने की बात है 90 लाख 1 करोड़ कुंटल गन्ना होगा, कितने सेंटर भी कट लिए, क्या लापरवाही हो रही, क्यों करवाई बातचीत, किस तरह की हो, अकेला आदमी कोई निर्णय नहीं लेने का, कोई भूल ना कर बैठे हो, कोई आदमी किसी दबाव में मिल प्रशासन में या जिला प्रशासन के उसमें कोई आदमी अगर हम ही भरला के इन्हें मैं करवा दूंगा, कुछ नहीं भाई, यह जनता है ठीक है, यह जनता तो बहुत गुंडा इलाज करते है, हाँ हाँ यार इसका मारा वैली पानी मांगता, ये आदमी वैसे तो चौका सभी हो रहे, सरकार की बात, सरकार की किसानों के प्रति बहुत लापरवाही निगाह है, आज हरियाणा में गन्ना मूल्य घोषित हो गया, पंजाब में 382 है, वहां में जले कुछ और बच गया होगा, कुछ कुछ ना कुछ 400 होगा, किसानों के साथ में 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 450 रुपए का रेट देंगे, सब लोग भाषण भी सुन लिया होगा मेरठ की पंचायत में कहा था, अब जो हमारी सरकार बनेगी 450 का रेट देंगे, भाई प्रधानमंत्री भी झूठ क्यों बोल रहे, क्या वो बता रही उसमें, उसका तो केरला पेट है भाई, झूठ की क्या नौबत है, कुछ ऐसी बात हो रही है हमें बताओ भाई, पर उसे कुछ नौबत है तो क्यों झूठ बोल रहे, झूठ ना बोलो भाई, 2 रुपए हम कम ले लेंगे, 348 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपए उसी के खाते में गिर दो, अगर उसे झूठ ना बोलो, सही तो बोलो, पर राजा भी झूठ बोलने लग रहेगा, एक योगी जी है भाई, हम तो उनके पहले तो शर्म लिया जाए, मैं कोई वो नहीं है बातचीत तक, हम हमारे विचार उनके बिल्कुल ठीक है, ठीक मिले बातचीत भी हो जाए, ये बिजली पर छूट आई पेनल्टी पर, अच्छा सराहनीय कदम है उसकी, जो अच्छी बात है अच्छी कही जाएगी, दिन में बिजली आ रही किसान को, दिन में बिजली मिल रही, बड़ा सराहनीय कदम है, कोई वो नहीं, हमको जो कुछ बात है मैं कोई किसी की कोई वो नहीं, पार्टी भी होती रहे, हमें तो नहीं पता हम किस पार्टी में, हम तो नहीं दिखे ही फिर सबके साथ रुक के रोड़े में नहीं थुक्का बची थी, पर फिर भी आप लोगों की बात जो जिम्मेदार है खाप चौधरी, आप लोगों की बात अच्छी तरह तो उठावे, समाज का ताना बाना जो हमारे बुजुर्ग है जो खाप चौधरी है, समाज का ताना बाना बिल्कुल छिन भिन नहीं होने देते, ये लोगों को समझावे, फिर मैं लोगों के फैसले करो है, इन्हें समझावे रास्ता गलत है भाई सही है, और यही हुआ करे बातचीत, आज की हमारी युवा पीढ़ी यह रास्ते तो भ्रमित होली भाई, ये जी रह करे, एक भाई था मुझे लगे मलिक साहब होगा जान का, वो खता उसकी भी कुछ नहीं, उन्होंने भी भाई मनीष को कह दिया भाई 3 महीने तक कहा थे भाई, वो बात है बाकी भाई, उन्होंने अपना गुस्सा करा था 3 महीने तक, ऐसी बात नहीं है, भी चिंतित है हमारी भी बातचीत हो जा, चोट साहब के साथ भी हो जा वीरेंद्र सिंह जी की, अच्छी बात होती रहे, हम लोग कहे भाई क्या चल किसी की नहीं रही, यह दिक्कत हकीकत है, चल किसी की नहीं रही, हमें के ना मोटा रुक करोड़ा करके, वहां से मुझे फरनगर में हुआ था मामला, थोड़ा सा वहां का प्रशासन और सख्त सा होगा, 23 तारीख में होगी वहां कितनी बातचीत, हालांकि हमारा कभी इरादा नहीं रहता प्रशासन के साथ में भिड़न का, कभी भी नहीं रहता, हम लोगों को भी यही समझावे नहीं बस शांति के तरीके से, ये आंदोलन या तो पता नहीं कौन किस किस पार्टी से जुड़े हुए, किस संगठन से जुड़े हुए, कोई वो नहीं, यहां तो सब किसान बनकर आ रहे, हम यही चाह किसान का सम्मान रहे, किसान की कोई वो नहीं है बातचीत, ना किसान की कोई ऐसी खास ज्यादा मांग है, इन्हें सम्मान मिल जाए इनका, जो इन्होंने सरकारी रेट पर जो गन्ना उसका पेमेंट पैसा दे दो, गन्ना दे दो उसका पेमेंट दे दो,
भाई कहां चला गया इसका पैसा? हमने उस दिन भी पहले भी कहा था, अगर थारे पर नहीं मिल चलता तो हमारे पास है इतने आदमी, मिल मालिक है कोई, कितने में पेमेंट भी कर देंगे और थारा इसे स्थिति सही जा देंगे इसकी। अब कोई किसान को क्या पता, किसान को तो भाई गन्ना बेच दिया पैसा मिल जा, किसे दे रहा क्या किसे नहीं, यह तो व्यवस्था ही नहीं बनानी। पर फिर भी मैं आप लोगों को यह बताऊं, इस मिल की सही हालत है नहीं भाई। वाह, आप लोग इतनी हिम्मत तो रखते हो अगवाई उम्मीद चले। देखो है आप लोगों के ऊपर निर्भर, कोई होने कोई दो राय नहीं, हम भी कह देंगे भाई किसानों की ज्यादा वह बात है भाई, आप लोग अपनी छाती पे यू पत्थर टेक सकते हो तो ऐसी बात कर लो, दोनों ढब को आप लोग फंस गए भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो विचार कर रहा, मैं कुछ वाली बात है मेरी कोई होनी है कोई नहीं, मैं बात उन बात है ऐसा, हम भी तो किसान है समझे सारी बात। या समस्या ऐसी होगी या कमेटी जो कुछ भी नहीं लगेगी। देखो फिर भी मैं वही कह रहा, मिल की हालत ठीक नहीं भाई, मिल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। होगा वो ढाई ढाई सौ करोड़ की मिल बंद हो जाएगा, 250 करोड़ तो 200 में लगे 20-21 करोड़ होगा ना। हाँ तो 250-300 करोड़ रह जाएगा इस पर, वही फिर धरना प्रदर्शन रहेगी तो यह हालत है। सुना मसमरे की बात, सबसे पहले तो धन्यवाद दे हम इन्हें भाई संजीव को, बहुत हिम्मत करके ऐसी बात नहीं उलाने सुलाने भी देख रहे हैं, ये गरम गरम बात एक आती हो जाए फिर भी अपने है कोई वो नहीं। बहुत बड़ा है अपना घर, घर छोटू पड़े यहाँ, एक धरना वहां चल रहा है, क्या चल रहा नहीं इसमें। धन्यवाद दे इस बात के लिए कि धरना बिल्कुल दोनों एक चलाओ, एक ही रास्ता हमारा, हमें हम उस रास्ते को चले जाओ चाहे इसको चले जाओ, हमारा एक ही रास्ता एक ही मंजिल है। रास्ते दूर 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 बगल अगल हो सके पर मंजिल एक ही है। आज किस तरह से किसान का मान सम्मान बचे, एक दूसरे को कुछ कहने की ज्यादा है किसी पर आरोप आरोप की कुछ नहीं, कितने लोग कहते हैं भाई वंतर हो गए हो जाए ऐसा कहा हो जाए। आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इसे किस तरह था वो, फिर भी हम यही कहें जो है कमेटी है कोई नहीं भाग रहे कहा जावे भाज के ऐसा भाज के क्या कुछ ऐसी बात थोड़े है। आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे, आप लोग तो चले भी जाओ, ये तो फिर भी यही है, एक जगह का होगी बातचीत एक जगह धरना चलेगा, जिस तरह का भी निर्णय ले या कमेटी लेगी, कमेटी में कहे कि आदमी वे आओ। और पहले वे मिसाल दिया करते थे भाई संदूक के बुड्ढू का संदूक, हाँ प्या में कहने का कुछ नहीं, जब लुंडे लारे जा रहे कहने भाई एक आधे बुड्ढे को घेर लो, उसमें जो काफी मिसाल है कुकर कुकर है क्या को कहते उसकी वह जेबड़ी बांट लिया उसमें वो करो। तो इस तरह की सी बात नहीं, ऐसे ऐसे माहौल में उनकी भी तजर्बे की बात है, इनका भी तजर्बा लो जो 70-75-75 साल के है, दो चार उस कमेटी में दो चार घूमे भी लो, और जो कुछ भी मैं कुछ नहीं कोई नहीं कहूं बस एक तो बताओ जबरदस्ती ना किसी पर लाठीचार्ज हो जाएगा, लाठीचार्ज तो कर दिया और गुंडा मां भारत जुट जाएगा, लाठीचार्ज पे तो जितना भी वे तो और उबारा लेंगे, कुछ नहीं ना लाठीचार्ज है ना इन्हें भी कोई भी, सब प्रशासनिक अधिकारी सब में भी अपने ये, पर जो शासन चाह तो कर सके, शासन के बहुत लंबे हाथ है, बहुत लंबे हाथ है, तो कुछ भी नहीं ये पैसा तो कुछ भी नहीं, तो अपना रिलीज करके अपना अपना चिन्नी पिन्नी जो कुछ भी है अपनी आड़ करके कम तो मैं यू विवाद तो थको हो जा ना, यहाँ किसी की पार्टी की बात है ना किसी की, यहाँ सिर्फ किसान है। और भाई
जो कमेटी कमेटी के में है, देखो हम भी उनके साथ है, जिस भी तुम कहोगे जिस भी आप लोगों के साथ है, और इस आंदोलन का इस धरने का हम बिल्कुल समर्थन करें। हम कोई भी ऐसी बात नहीं, किसानों के मान सम्मान के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होने का, हम किसानों के साथ है भाई। किसान किसान हमें कहे भी लो कुछ, बैठो देखो हो जाएगी बातचीत। किसान के लिए मट्टी गरम गरम भी कह दो, देखो है तो अपने भाई, ऐसी बात ये चाहे कहा, ये हम कहेंगे भाई, इनका हक है, ये हमारे एक कहने पर थोड़े से आह्वान पे ये अपनी छाती अड़ा दे तो इन्हें इन्हें भूलिया थोड़ा ज्यादा, तो आप लोग बड़े शांति के तरीके आप लोगों ने सुने, और जो कुछ भी बात होगी ठीक होगी भी, वही 10-15-20 मिनट थमो, जो कुछ भी निर्णय लेंगे ना कमेटी लेगी। जय हिंद जय भारत। अधिकारी पिछले बैठे उनका वार्ता करेगा।